अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अब्बास रिज़वी, आपके अपने चैनल वतीन 572 के साथ। आज आपके लिए लाए हैं एक ख़ास ही तोहफा जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली के लिए हद दर्जा इम्पॉर्टेंट है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंजीर की, जिसकी कसम कुरान करीम में अल्लाह ताला ने भी खाई है, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे बखूबी लगा सकते हैं। इंजीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और सोडियम वगैरह पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इंजीर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो कोई भी बीमारी आपके आड़े नहीं आ सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप थके हुए हैं तो 2 पीस इंजीर के खा लें तो फौरन थकन दूर हो जाएगी। मोटापे को दूर करना चाहते हैं तो रात को 3 पीस नीम गर्म पानी में भिगो दें। सुबह नाश्ते से पहले नीम गर्म पानी के साथ ही ये 3 पीस खा लें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी चर्बी ढलने लगेगी और वज़न कम होने लगेगा। और इसके बरक्स, अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, गाल पिचके हुए हैं, अपने आप को ज़रा सेहतमंद करना चाहते हैं, तो इंजीर से वज़न बढ़ाना भी नहायत ही आसान है। तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि 3 इंजीर रात को नीम गर्म दूध में भिगो दें और सुबह उठ के वो 3 पीस खा लें और वो दूध भी ऐसे ही पी लें। आप इसे रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपकी रंगत बदलने लगेगी और आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी, तो वज़न भी आपका बढ़ने लगेगा। तो इससे वज़न कम करना और वज़न बढ़ाना नहायत ही आसान है, मगर उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो इसके साथ ही दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट सुबह को रात की भिगोई हुई इंजीर पानी के समेत ही पी लें, खा लें। यानी कि अगर रात को इंजीर जो भिगोई थी जिस पानी में, सुबह उठ के वो इंजीर भी खा लें और वो पानी भी पी लें, तो उनकी इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। अगर कोई ज़्यादा मसला है तो रात सोते हुए भी 3 पीस इसी तरह ही भीगी हुई इंजीर, मगर वो नीम गर्म दूध के साथ खा लें, तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक शर्तिया इलाज है। तो कब्ज़ दूर होने से आपका स्टमक भी मजबूत होगा और जिगर भी आपका अच्छे से खून बनाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आसमूदा है। यानी कि दोपहर को पानी के साथ अगर वो 2 इंजीर खा लें तो इंशाल्लाह वो भी शिफायाब होंगे। तो सुबह को भीगी हुई 3 इंजीरें और साथ इसके 5 बादाम खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है, याददाश्त अच्छी होती है। जिन लोगों की याददाश्त कम होती है, यानी कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इसे खाएं, इंशाल्लाह उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जिनके जिस्म में, जोड़ों में दर्द हो, 3 इंजीरें डेली खाएं, क्योंकि यूरिन में निकलने वाली कैल्शियम सोडियम की ज़्यादा की वजह से होती है, जिससे हड्डियों में दर्द होने लगता है। और इंजीर में तो हर चीज़ को मुतदल रखने की सलाहियत भरपूर होती है। तो जिनके जिस्म में, जोड़ों में दर्द हो, तो 3 इंजीर डेली खाया करें, इंशाल्लाह कमज़ोरी दूर होगी और हड्डियां मजबूत होंगी। जैसे ही हड्डियां मजबूत होंगी तो फिर किसी भी किस्म का दर्द आपके नज़दीक नहीं आ सकता। तो इसके साथ ही दोस्तों, मर्द हज़रात के लिए ये ख़ास सौगात है, ये मसल्स को मजबूत करती है और खून की रवानी को बढ़ाती है, तो ज़िंदगी का भरपूर मज़ा फराहम करती है। तो शुगर पेशेंट के लिए भी इसमें भरपूर फ़ायदा है। भीगी हुई इंजीर खाने से इंसुलिन की अफादियत बढ़ती है और शुगर लेवल भी मेंटेन हो जाता है। दोस्तों, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, इसकी एक ख़ास क्वांटिटी होनी चाहिए और एक ख़ास तरीका होना चाहिए, उस तरीके से आप इसे लें तो इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अल्लाह ने पैदा की है और उसकी शिफा ना दी हो। तो इंजीर में ये खासियत अल्लाह ताला ने भरपूर रखी हुई है। तो जिन बीमारियों की को दूर करने का तरीका मेरे पास है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों, फाइबर भरपूर होता है, विटामिन्स और मिनरल्स इसमें हैं, और उसके साथ एक ज़बरदस्त बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है।
जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां यानी कि डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ब्रेन हेमरेज, यहां तक कि कैंसर और कोविड जैसी डिजीज़ भी हमसे दूर भागती हैं। मगर शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल रेगुलर रखा जाए। इसे ज़्यादा मत खाएं, कभी भी ज़्यादा ना खाएं। 3 पीस 5 पीस इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी इसकी किसी भी सूरत में डेली बेसिस पे ना कीजिएगा। तो जितनी आपको बताई गई है उतनी ही खाएं। इंशाल्लाह आप हर किस्म का इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपकी सेहत भी सही होती जाएगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मगर आपसे वही वादा लूँगा कि आप रखेंगे अपना बहुत सा ख्याल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।